हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी मेरे हाथ में देखिए कौन है, एक छोटू सा किट्टी। ठीक है, इसका नाम मैंने पूचू रख दिया है, बट पता नहीं हुआ ये था। दोस्तों अभी मैं जस्ट अभी बाहर निकला था घर के थोड़ा देर पहले, ये जो है वहाँ पे फंसा हुआ था। वो जो साइकिल देख रहे हैं ना, वहाँ पे कोने पे फंसा हुआ था, और वहाँ पे एक जो है स्ट्रीट डॉग था। और इसको मतलब कि मारने के लिए वो जो है घात लगाना नहीं बोलते हैं, उस तरह का वो कार के नीचे छिपा हुआ था इस वाले, और ये साइकिल के कोने में ये किट्टी फंसा हुआ था। तो इसको मार ही देता जान से, और पता नहीं ये कहाँ से आ गया, नहीं आ गया, इसका मम्मी कहाँ है नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको बचाना चाहिए, तो मैं जस्ट इसको उठा करके घर लेके चला गया था, और घर में जाके इसको दूध दूध पिलाया। शायद भूखी थी और बहुत ज़्यादा क्यों क्यों कर रही थी। ठीक है, तो लेकिन मेरे घर में मैं इसको रख नहीं सकता, मुझे रखने का बहुत शौक था। देखिए बहुत क्यूट भी है, बट इसको नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में रियो है। आप लोगों को पता ही होगा, रियो जो है उसका बिल्ली से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। बाहर का अगर बिल्ली देख लेता है ना, तो गजब का करता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। इसको अगर देख लेगा तो उसको मार देगा जान से, इसलिए इसको मैं घर पे नहीं रख सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको कहाँ रखा जाए, तो इसका सेफ प्लेस जो है वो ज्योति के घर पे ही है, क्योंकि ज्योति के घर पे ऑलरेडी 4-5 बिल्ली पहले से, तो उसके घर में इसको मैं रख दूंगा। तो वो इस उन लोगों के साथ ये भी रह जाएगा, आराम से खेलेगा, अभी इसको अकेलापन भी फील नहीं होगा। तो जस्ट मैं अभी जा रहा हूँ ज्योति के घर पे ही, इसको उसका घर पे जाके रख देंगे, ये भी उन लोगों के साथ ही बड़ा हो जाएगा। और चलिए दिखाते हैं उसके घर में पहले से कितना सारा बिल्ली है, और बच्चा भी दिया है एक दो शायद कुछ महीने पहले। चलिए इसको दे के आते हैं उसके घर से। जस्ट मैं उसके घर पहुंच ही गया हूँ, ये देख सकते हो। चलिए चलते हैं अंदर, ये देखिए गेट खोलने आ रही है। देखो बच्चा कोई हम भी इसीलिए हम इसको पकड़े ना, कि हमको लगा तुम्हारे घर में तो कुछ हुआ है, अभी छोटा छोटा वही है क्या। अभी दिखाते हैं ज्योति के घर में पहले से ही बहुत सारा बिल्ली। आ देखो तुम, तेरा वाला जितना बड़ा है उतने ही बड़ा है, सेम है। कहाँ है बच्चा तो? ये देखिए ऐसे भी दिख रहा है। देखिए अभी बच्चा दिया है, बड़ा वाला बच्चा दिया है। और एक कहाँ है? दो है ना? हाँ देखिए दो है ना, और सेम उसी का साइज का ये भी है जो मैंने पकड़ा। ये देखिए मारू नहीं तो ये देखते हैं ना, अभी देखते हैं ये दूसरा बिल्ली घुसाने से क्या करती है। जा। कुछ नहीं कर रही है, लेकिन देखिए प्यार कर रही है, पहचान रही है तो दूसरा बिल्ली है कोई। नहीं कर रही कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर रही है। अब पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन तो नहीं है, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है ना, और हेल्दी भी थोड़ा कम है। देखो पतला हाँ, इसका वीकनेस है इसमें। दूध पीने लगी ओ भाई। अब पिला भी रही है, बताओ तो? देखिए दोस्तों दूध भी पी रहा हुआ और उसको पिला भी रही है, इधर चाट भी रही, प्यार भी कर रही है, वाह। इसको बोलते हैं, लेकिन देखो इससे एक सीख मिलता है, मनुष्य में जानवर में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। कोई दूसरा का बच्चा इस तरह किसी को दे देगा, नहीं रखने को जाएगा, हम काहे रखेंगे। देखो ही प्यार कर रही है जब। गाइस अभी देखें आप लोग, मस्ती कर रहे हो लोग, देख रहे हैं, मजा आ गया। लेकिन हमारे घर में अब तीन हो गया बच्चा, छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा सब उसका साथ साथ, पूरा दूध पी रही है। बिछड़ गई थी अपने मम्मी से बहुत देर पहले से, वही ना पूरा क्यों क्यों कर रही थी, वहीं पे साइकिल का कोना में फंसी हुई थी, पता नहीं कहाँ का है। देखिए दूध पी रहा कैसा दिखाते हैं, ये देखिए दूध पी रही है, वाह। उसका दोनों अपना बच्चा पीछे है, ये देखिए उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं, मतलब पी के एकदम टाइट है तो, और उन लोगों को गुस्सा भी नहीं। हाँ वही ना, दूध पी रहा है, पिला भी रहे, मतलब देख गजब मजा आ गया। लेकिन कोई मतलब नहीं कि किसका बच्चा है नहीं है, इसी को बोलते हैं जानवर है। अब लोग दोनों के दोनों उधर घुमा के चिंदू बोले कि आप नहीं पूछेंगे, उधर देखे उन दोनों का भी एक्सप्रेशन देखे, उधर घूम के और आज ये गुस्सा में, जैसे गुस्सा नहीं हो जाता है कि हम लोगों को नहीं दे रहा बिना भाग। सो गाइस फाइनली ज्योति को मैंने दे दिया, तो वो छोटा सा बच्चा को वो यहीं पे रहेगा, अभी बड़ा हो जाएगा दूध पीते पीते। मम्मी भी मिल गया उसको। और इधर देखे कोको, कोको का बाल सब झाड़ गया लग रहा है, काट दिए कैसे लोग गया था, खुद से काट दिए। हाँ। कैंची से। हाँ। देखिए रोगा जैसे दिख रहा है, ये लोग ट्रिमर मिलता है, ट्रिमर खरीद ले।
ट्रिम कर देना। रियो का भी बाल बहुत उड़ रहा है अभी तो, सीजन भी ऐसा है। कोको देखने में अच्छी लग रही है अभी, लेकिन काट दिए ना, ली कर रहा मतलब, चमक रहा उसका बाल सब। सो गाइस ये है ज्योति का झूला। ये को घर में भी है ना, घर का अंदर में, ये है आउटडोर। और अभी ज्योति का तो स्टूडियो बन रहा है, कितना दिन में बनेगा पता नहीं, नहीं बनेगा कब बनेगा। नहीं बनेगा, मिस्त्री लोग नहीं आ रहा ना अभी लॉकडाउन ये सब की वजह से, मिस्त्री लोग भी नहीं आ रहा, काम हो ही नहीं रहा। जब बनेगा तब एक वीडियो मेरा भी बनेगा नया स्टूडियो। टाइटल वही लगाएंगे, माय न्यू स्टूडियो। ये देखिए कितना फूल है इसका घर में, वो तो आप लोग बराबर देखते हैं जब भी देखते हैं, बहुत सारा फूल है इधर उधर। पूरा गार्डनिंग करते हैं ना इनके पापा, तुम थोड़ी करती, तुम लगाती है भी फूल? पेड़ तो मेरा है। अच्छा, वो दोनों गेट के पास जो है ना वो मेरा है, पीछे जो फूल खिला ना वो भी मेरा ही लगा हुआ है, और उधर जो रेड रेड खिला ना वो भी मेरा ही लगा हुआ है, वो सब भी जो है ना वो सब भी मेरा ही लगा हुआ है। तो कौन तो तेरा नहीं है तो बोलो। सब तेरा ही लगा हुआ है। और देखिए इसके घर में तेज पत्ता का भी पेड़ है, तेज पत्ता कभी नहीं खरीदती होगी ना, तो इसका काम क्या पड़ता है, सब्जी बनाने और चाय बनाने, दोनों को पत्ता तोड़ के सुखा हुआ खा सकता है। देख रहे बहुत बड़ा तेज पत्ता का पेड़ है, ये देखिए कभी तेज पत्ता खरीदने की जरूरत ही नहीं है। देखिए तुमको जरूरत है। हाँ, खाने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हम तो खा जाते हैं। छी तीता लग रहा है। इसका बीज भी इससे पेड़ बन जाएगा क्या? देखो इसी से निकला है तो तुम पेड़ या मतलब ये बीज लगाई थी कि पेड़? पेड़ लगाए, पेड़ लगाए। सो गाइस अभी आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया है और अभी हम लोग आ गए हैं छत पे, और सीनू भी है। और शीनू इधर देखिए क्या कर रहा है, कैमरा सेट कर रहा है, क्योंकि हमारा टेक चैनल के लिए अभी वीडियो बनाना है। और मेरे पास है कैमरा, और ये मैं कैमरा यूज़ करता हूँ कैनन का 90D, जिससे मेरा टेक चैनल का वीडियो शूट होता है। तो अभी शीनू यहाँ पर ट्राइपॉड सेट कर रहा है, इधर ट्राइपॉड लगेगा, कैमरा लगेगा, और मैं उस साइड में खड़ा रहूँगा, ये लोहा वाला जो यहाँ पर ये है ग्रिल टाइप का, और वो बैकग्राउंड जो आता है उधर तार का जो पेड़ दिख रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है हमारे वीडियोज़ में देखने में। और आप लोग का कमेंट्स भी आता है, बहुत बार यहाँ पर वीडियो बनाए हैं तो आप लोग का कमेंट आ करते हो आप लोग की बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। धूप उठ गया रे, अभी जस्ट धूप नहीं था फिर धूप आ गई। ये देखिए सूर्यदेव निकल रहे हैं और डूब रहे हैं। बादल क्या हुआ है, और धूप में जो क्या होता है ना, आँख खुलता नहीं है सही से, ऐसे करके बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बाकी वैसे क्वालिटी देता हार्ड, लेकिन आँख नहीं खुलता। वही ना, धूप में यही एक प्रॉब्लम है कि आँख आपका पूरा एकदम नॉर्मल खुलेगा नहीं, ऐसे करके रहना पड़ेगा, अजीब सा दिखता है फेस। इस तरह आँख खुल रहा है, खुल जा रहा है लगभग, देखते हैं ट्राई करके। अरे उस साइड बनाने से बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है, क्योंकि पेड़ सामने में है, और इधर बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत दूर में है। और धूप अभी नहीं था, धूप आ गया अचानक से। देखते हैं, अभी सोचते हैं समझते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि छत पे ही वीडियो शूट हो जाएगा। इस जगह पे देखिए धूप नहीं है, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड अब ऐसा आएगा इस साइड में, पीछे तरफ, उस साइड में नहीं बना रहा हूँ। और ये देखिए सीनू वहाँ कैमरा लगा दिया है, मेरे पास माइक भी आ गया है, जस्ट इसको यहाँ लगाना है और वीडियो शूट करना है। चलिए वीडियो शूट कर लेते हैं कम्प्लीट करके, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हो गया है रात का टाइम, और आप लोगों ने देखा वीडियो मैंने शूट कर लिया। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग पे मैंने आप लोगों को दिखाया एक जो है कैट का बच्चा था, जिसको मैंने ज्योति के घर पर दे दिया, तो वो काम करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ अपने में, क्योंकि उस कैट को जो है वो डॉग हो सकता मार देता, और उसके मम्मी पता नहीं कहाँ था नहीं था, उसके मम्मी को कोई अगर मार दिया हो ना क्या, क्योंकि वो लोग सुबह से वो बच्चा वहीं पे था और मेरा नज़र गया था वहीं दोपहर के टाइम पे, तो फिलहाल मैंने उसको लेकर वहाँ दे दिया ज्योति के घर। तो फिलहाल मैंने ज्योति के घर पर उसको पहुँचा दिया, तो बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ पर एक पहले से उसके घर में बिल्ली थी तो वो उसको पाल लेगी। तो यही कुछ ब्लॉग था, और उससे एक अच्छा शिक्षा भी मिला कि इंसान में और जानवरों में कितना फर्क होता है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो आई होप दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद है प्लीज़ इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।